क्लास 5 चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर कोड एंड बाइनरी अरिथमेटिक। क्या होता है कंप्यूटर कोड और बाइनरी अरिथमेटिक? कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या करता है? केवल मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज बनी होती है कॉम्बिनेशन से 0 और 1 के। यानी कि जो मशीन लैंग्वेज है या फिर बाइनरी लैंग्वेज है वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। तो व्हेन यू फीड द नंबर्स, जब आप नंबर फीड करते हो या लेटर फीड करते हो, डालते हो या दूसरे कैरेक्टर डालते हो, दे आर कन्वर्टेड इनटू कंप्यूटर्स अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। वे सारी चीज़ें बदल जाती हैं कंप्यूटर के समझने वाले फॉर्मेट में, जिसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। इसके लिए स्पेशल कोडिंग की जाती है, स्पेशल कोडिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम में कुछ सिंबल होते हैं, यानी कुछ चिन्ह होते हैं, या फिर कुछ डिजिट होते हैं, यानी कि नंबर होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ को। उनकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं, सारे के सारे जो डिजिट हैं, वे एप्लीकेबल होते हैं एक सिस्टम में, उसको हम कहते हैं रेडिक्स या फिर बेस, के टोटल कितने नंबर एप्लीकेबल हैं किसी भी सिस्टम में, कितने नंबर यूज होने हैं। तो जो बेस है वो ये डिटरमाइन करता है, ये बताता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ सिंबल्स जो हैं उस पोजिशनल सिस्टम में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ सिंबल्स हैं, कितने सिंबल यूज होंगे। तो डेसिमल सिस्टम जो होता है, डेसिमल सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं, जो कि हम आपस में यूज़ करते हैं, उसका बेस होता है 10, यानी कि 10 सिंबल उसमें यूज़ होते हैं 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि कुल मिला के 10 सिंबल्स हम यूज़ करते हैं डेसिमल सिस्टम में। उसी तरह से बाइनरी सिस्टम का बेस 2 होता है, क्योंकि उसमें 2 ही सिंबल यूज़ हो रहे हैं, 0 और 1। डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो बेस जो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का वो 10 होता है, क्योंकि इसमें 10 डिस्टेंट डिजिट हैं 0 से लेकर 9 तक। द वेट और पोजीशन डिटरमाइंस द वैल्यू। तो वेट या फिर पोजीशन बताती है कि किसी भी डिजिट की वैल्यू कितनी है, राइट? एग्जांपल में देखें, हमें 3 डिजिट का एक नंबर है 243। तो वैल्यू इन तीनों डिजिट्स की, इन डिजिट्स की जो वैल्यू है वो 243 है। तो ये वैल्यू डिपेंड करती है इनकी पोजीशन पर, वेट पर। जैसे कि ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है। इसकी पोजीशन देखो, ये फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। 3 इसको क्या लिख सकते हैं? अब ये 3 है, 3 इनकी पोजीशन के हिसाब से इनका वेट देखिए। ये फर्स्ट पोजीशन पे, जिसको हम कहते हैं ना 1, 10 और 100, उस हिसाब से देखेंगे तो ये 3 × 10⁻¹, 10⁻¹ की वैल्यू 1 होती है, तो 3 × 1 = 3 हो गया। 4, अब ये सेकंड पोजीशन पे, वेट 10⁻¹, तो 4 × 10⁻¹ 40 हो गया। अब ये 2 थर्ड पोजीशन पे है, 10⁻², से इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 10⁻², ये 10⁻², की वैल्यू कितनी हो गई? 100, तो 100 × 2 = 200, इन सबको ऐड करेंगे 243। ये 10 जो लिखा है इसका मतलब है बेस 10, तो 243 बेस 10 का मतलब ये हुआ कि ये 243 डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंटेड है। अब बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है, इसमें 2 ही सिंबल है 0 और 1। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन 0 और 1 के रिप्रेजेंट करते हैं सभी लेटर्स को, सभी सिंबल्स को। कितने हम इनके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आपस में आगे पीछे लगा के? तो कंप्यूटर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आइडेंटिफाई करता है सिग्नल्स को इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल पल्स। यानी कि कंप्यूटर में क्या होता है, डिजिटल पल्स होती हैं, सिग्नल होते हैं। अब वो सिग्नल रिप्रेजेंट करते हैं 1 या फिर 0। यानी कि अगर सिग्नल है तो 1, सिग्नल नहीं है तो 0। तो ये इजी है हैंडल करना, इट इज ईजियर टू हैंडल 2 बाइनरी डिजिट्स। 2 बाइनरी डिजिट्स को हैंडल करना आसान है, इसीलिए डिजाइन ऑफ द सर्किट सिंप्लीफाइड, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूव रिलायबिलिटी। इसलिए जो सर्किट जब बनता है, जब कंप्यूटर बनाया जाता है, तो उसका डिजाइन सिंपल होता है, उसकी कॉस्ट कम आती है, खर्चा कम आता है और भरोसेमंद ज़्यादा होता है। तो बाइनरी सिस्टम जो है वो कैन डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल विद अ, जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम से जो जो कम काम कर सकते हैं वो सारा का सारा बाइनरी सिस्टम से भी कर सकते हैं। बाइनरी नंबर टेबल देख लीजिए, जैसे ये डेसिमल का होता है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर 15 तक, इसी तरह से ये बाइनरी नंबर है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, राइट? ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये डेसिमल। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे बाइनरी नंबर को किसी भी डेसिमल नंबर में, हम कैसे बदलते हैं?
सबसे पहला स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे बिट्स ऑफ द होल नंबर विद द पावर्स ऑफ टू, जो पूरा का पूरा नंबर है उसके बिट्स को ठीक है दो की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। मैग्नेट टेबल ऑफ दीज पावर्स डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द बिट इन द नंबर। इंटीग्रल पार्ट इज एन बिट्स, लॉन्ग थ्री पावर्स आर जीरो टू एन माइनस वन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कैसे देखेंगे, देखो जैसे ये नंबर है हमारे पास, ये एग्जाम्पल में दिया है ये नंबर है, इसको हमें डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है ठीक है। ये है 100011, इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। तो सबसे पहले ये वन है हमारे पास, इस वन को मल्टीप्लाई करेंगे टू की पावर जीरो से, इस वन को मल्टीप्लाई करेंगे टू की पावर वन से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जीरो को टू की पावर टू से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू की पावर थ्री से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू की पावर फोर से, फिर वन को मल्टीप्लाई करेंगे टू की पावर फाइव से, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, टू की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन, तो वन इंटू वन वन हो गया, फिर ये टू इंटू वन टू हो गया, ये जीरो से मल्टीप्लाई है तो ये जीरो जीरो हो जाएंगे, फिर टू टू द पावर फाइव है ये क्या हो गया 32, ये 32 हो गया, इन सबको ऐड कर देंगे तो 32, 33, 34, 35, ये आ गया 35। तो ये जो बाइनरी नंबर है इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 35 आएगा। तो नंबर को लिखने के बाद ब्रैकेट में बंद करके साइड में लिखा है 2, इसका मतलब क्या है, ये बाइनरी नंबर है इसका बेस 2 है। यहाँ पे लिखा है 10, इसका मतलब ये डेसिमल नंबर है इसका बेस 10 ठीक है। ये इसको कन्वर्ट करने का तरीका है ओके। ये इसके स्टेप्स दिए हैं कि हमने कैसे कन्वर्ट किया है इसको राइट। ये जितने भी बाद में हमारे पास रिजल्ट आया हमने इसको सबको ऐड किया है, पार्शियल रिजल्ट्स को हम ऐड करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द पावर विद द डिजिट्स टू द फाइनल रिजल्ट, दस ऑब्टेन आफ्टर एडिशन इज द डिजायर्ड रिजल्ट। तो जो भी इसकी बिट्स हैं जो है ना इधर से हम काउंट करेंगे तो ये जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया राइट। एन माइनस वन दिया है ना, एन माइनस वन का मतलब जितने भी ये हैं ये टोटल कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हैं, सिक्स हैं, तो एन माइनस वन कितना हो गया फाइव। तो हमने टू टू द पावर फाइव तक मल्टीप्लाई करी केवल राइट, टू की पावर में जितने भी ये डिजिट्स हैं इनमें से एक कम तक, यानी कि ये सिक्स हैं अगर हमारे पास तो एन माइनस वन का मतलब सिक्स माइनस वन यानी कि फाइव, तो टू की पावर फाइव तक मल्टीप्लाई करेंगे। इसको टू की पावर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको टू की पावर वन से, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव, और मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे तो ये डेसिमल से सॉरी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है सपोज करो 19 ठीक है, अब हमने इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18 एक रिमाइंडर आ गया, फिर 2 4 जा 8 एक रिमाइंडर आ गया, 2 2 जा 4 कोई रिमाइंडर नहीं, 2 1 जा 2 कोई रिमाइंडर नहीं, और फिर 2 0 1 ये जो 1 है एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ हम लिखेंगे 1 0 0 यहाँ पहले 1 लिखेंगे फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 1 तो 1 0 0 1 1 ये हमारा इसका बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। तो डेसिमल में जो 19 था बेस 10 में वो 10011 बेस 2 यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ये नीचे MSB है ऊपर LSB है, MSB होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और LSB होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, बिट मतलब बाइनरी का एक नंबर। तो वही स्टेप है, सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन और रिमाइंडर को नोट करेंगे, या तो वो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, अगर क्वेश्चन 0 नहीं है तो फिर डिवाइड करेंगे आगे जाके 2 से, फिर से डिवाइड करेंगे, फिर अगले स्टेप को रिपीट करेंगे, अगर क्वेश्चन 0 होता है तो हम स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को। तो फर्स्ट रिमाइंडर ऑफ द प्रोसेस जो पहला रिमाइंडर है वो होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और जो लास्ट रिमाइंडर आएगा वो हमारा होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सारे रिमाइंडर्स को हम लिख लेंगे सीक्वेंस में, हमने इसको लिख लिया सारे सीक्वेंस में कॉम्बिनेशन को और नीचे से ऊपर की तरफ हमने इसको राइट डाउन कर लिया, ये हमारा डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन होगा राइट। बहुत ईजी है, दोबारा देख लो, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18 1 रिमाइंडर, 2 4 जा 8 1 रिमाइंडर, 2 2 जा 4 कोई रिमाइंडर नहीं, 2 1 जा 2 कोई रिमाइंडर नहीं, और लास्ट में ये 1 आ गया। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, नीचे से ऊपर की तरफ इसको राइट डाउन कर लेंगे, ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट होगा। थैंक यू क्लास। बाइनरी अरिथमेटिक की बात करेंगे, क्या होता है कंप्यूटर में जितनी भी तरह का डेटा होता है वो सारा हम बाइनरी नंबर्स में दिखाते हैं यानी कि वन और जीरो में। सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सीख लें बाइनरी अरिथमेटिक को,
यानी कि कैसे बाइनरी में हम अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। तो बाइनरी अरिथमेटिक वो अरिथमेटिक होता है जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं जैसे कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारे के सारे नंबर्स में हम कर सकते हैं। बाइनरी एडिशन की बात करते हैं, जैसे दो नंबर है हमारे पास 0 और 1, बाइनरी में 0 होता है और 1 होता है, तो रूल क्या है इनको जोड़ने के लिए, 0+0 0 होता है, यानी कि 0 को अगर 0 पर ऐड करते हो तो हमें 0 मिलेगा, ठीक है। ये हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर 1 और 0 को ऐड करते हैं तो 1 मिलता है, 0 और 1 को ऐड करके भी 1 मिलता है, 1 और 1 को ऐड करके 0 मिलेगा और कैरी जाएगा 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में जब भी हम ऐड करेंगे 1 और 1 को तो 0 मिलेगा और 1 जाएगा कैरी में, ओके। तो रूल फॉर दिस 1+1=0 विद कैरी 1। अगर हम 1 को ऐड करते हैं 1+1+1, अगर हम इसे परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट आएगा 1 1 और 1 विद कैरी 1, राइट। अगर हम 1 और 1 ऐड करें 1+1 0 विद कैरी 1, और अगर 3 बार इनको ऐड करेंगे 1+1+1 तो ये आएगा 1 विद कैरी 1। अभी हमें ऐड करके दिखाना है, 1010 और 1101 को हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख लिया, अभी ना हम ऐड करेंगे, तो 0+1 ये 1 हो गया, 1+0 1 हो गया, 0+1 फिर से 1 हो गया। अब ये 1 और 1 है, 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 0 आता है और 1 यहाँ से कैरी चला जाता है, वो यहाँ पे आ गया, तो आंसर आएगा 1011 1। अब सब्ट्रैक्ट करना है, रूल क्या है सब्ट्रैक्शन के लिए, 0-0 0 होता है, 1-0 1 होता है, 1-1 0 होता है, और जब हम 0-1 करेंगे, 0-1 का मतलब है 1 आएगा, राइट, विद बोरो 1, 1 आएगा और 1 इसमें बोरो में जाएगा, राइट, जैसे वहाँ कैरी में जा रहा था। तो हमें सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, ये सब्ट्रैक्ट करा 1001 और यहाँ पे 1010, हमें सब्ट्रैक्ट करना था, 1-0 1 हो गया। अब 0-1 1 होता है और बोरो जाएगा 1, राइट, ये 0 आ गया और 1-1 0, तो ये आ गया 0010, ये हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया, ओके। इसके बाद आ गया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करेंगे 0×0 0 होता है, 0×1 भी 0 हो जाता है, 1×0 भी 0 हो जाता है और 1×1 1 होता है, राइट। ये हम एग्जांपल में मल्टीप्लाई करके दिखाया है, ये हमें मल्टीप्लाई करना है 1101 और 1011 को मल्टीप्लाई करना है, 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आएगा 1011 1011 सेम आ गया। अब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट सारे 0 हो जाएंगे। अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1011 ये आ गया 1011। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 और 1 0 कैरी 1 में चला गया। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 है तो 1 और 1 फिर 0 हो गया, फिर कैरी 1 में चला गया, फिर ऊपर 1 चला जाएगा तो 1010 फिर कैरी 1 में चला जाएगा और फिर 1010 कैरी आ गया 1, ठीक है। इसको इस तरह से देख सकते हो कि देखो जब हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारे 0 आ गए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आएगा 1011 ये आ गया 1011, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये सारे 0 हो गए, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट आएगा 1011। अब ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 1 आ गया, ये फिर ये 0 हो गया, 1 और 1 0 कैरी आ गया 1, फिर 1 और 1 0 कैरी आ गया 1, फिर 1 और 1 0 कैरी आ गया 1, फिर 1 और 1 0 और ये कैरी इधर आ गया, ये आ गया 1, ठीक है। इसके बाद आता है बाइनरी डिवीजन, इसको हम सिमिलर मैनर में करते हैं जैसे कि डिवीजन नॉर्मली हम करते हैं डेसिमल में, उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे करके दिखा रखा है, देखो जैसे 1-1 से अभी ये 1011 0.11 तो 1 टाइम गया 1-1 आ गया, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1-1 0 और ये आ गया यहाँ पे 1, फिर ऊपर से 1 हमने उतार लिया यहाँ पे 1 आ गया, अभी आ गया 1011। फिर से करेंगे इसमें 1011 में 1 टाइम चला गया, फिर ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और 0 बचा, फिर हमने कैरी उतार लिया, फिर 1011 हो गया। उसी तरह से फिर नेक्स्ट करेंगे हम, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 1 टाइम करेंगे तो फिर 1011 आ जाएगा, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऊपर से आ जाएगा फिर से 1101 आ गया, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 1011 बन गया,
फिर वन टाइम जाएगा ये वन वन, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे वन जीरो, आगे हमारे पास क्या है जीरो, जीरो नीचे आ गया, हंड्रेड हो गया। ठीक है, ऊपर जीरो लगा लिया, नीचे एक जीरो लग गया, अभी हंड्रेड हो गया। हंड्रेड में लेके जाएंगे, देखो हंड्रेड में क्या वन टाइम जाएगा, वन वन हो गया, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ऊपर एक जीरो लगा के नीचे जीरो बढ़ाएंगे, फिर हंड्रेड हो जाएगा, फिर वन टाइम जाएगा, वन वन से वन टाइम जाएगा, जब वन टाइम जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा वन वन, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे एक जीरो लगा के, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये रिपीटेशन आ गया। रिपीटेशन का मतलब ये हो गया, यही हंड्रेड रिपीट हो गया, बार बार आएगा। इसका मतलब ये जो है हमारे पास आंसर में 11.1110, अब यही आगे रिपीट होता रहेगा, इसलिए लास्ट में वन और जीरो के ऊपर बार लगा दिया। तो जो हमारा डिवीज़न है वो सेम है जैसे कि डेसिमल डिवीज़न होता है।